आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे पौधे पर है, कोई स्पेशली पौधे की वैसे बात नहीं करने वाले हैं, पर जनरली दोस्तों ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है। वैसे भी दोस्तों एक सीज़न की बात ही नहीं है, काफ़ी सारे सीज़न में ऐसे हालात हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा इस विषय पर है कि मरते हुए पौधे को हम आखिरी ओप यानी कि बचने के चांसेस कितने रहते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे ये प्लांट दोस्तों फायर बुश क्लब का प्लांट है, ऐसे इसे दोस्तों हिमालया भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो मेथड है दोस्तों वो कई सारे पौधों पर हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये पूरा मरने की कतार में चला गया है, तकरीबन 20% के हिसाब से दोस्तों हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर सूखे हुए पौधे हैं वो बचने की दोस्तों उम्मीद है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जो हम मेथड अप्लाई करेंगे दोस्तों उससे शायद मरते हुए पौधे को हम बचा सकते हैं। तो ये लास्ट मेथड ही रहेगा। वैसे काफ़ी सारी मेथड से प्लांटों को बचाया जा सकता है, लेकिन हम जो घरेलू देसी नुस्खे हैं उसका ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो गमला होता है उसमें मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई हम कर देंगे, और दोस्तों इसमें मिट्टी भी कम है तो आगे जाके मिट्टी का भी हम प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन गुड़ाई करने के बाद दोस्तों इसे एक आध दिन है वो ऐसे ही रखने देना चाहिए, जिससे एयर सर्कुलेशन मिट्टी में अच्छा बना रहे। लेकिन दोस्तों इसमें हम फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करेंगे ताकि कोई रूट्स वगैरह में डिसीज हो तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो एक आध दिन इस तरह से ही रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें मिट्टी थोड़ी कम है तो इसमें गमले के हिसाब से आप थोड़ी बहुत न्यू मिट्टी भी ऐड कर दीजिए ताकि कोई डिसीज वगैरह हो दोस्तों तो फंजीसाइड लगाया है वो नीचे की साइड जाएगा वॉटरिंग वगैरह करने के बाद दोस्तों। दूसरी जो तरकीब है दोस्तों वो है कि इसमें सूखी हुई जो ब्रांचेस वगैरह है, जब तक दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत गीलापन हो या तो हरी प्रकार की जो स्टिक हो इसमें दोस्तों वहाँ तक आप ले जाए तो और बढ़िया होगा। सूखी हुई ब्रांचेस को तो हटा देना ही चाहिए दोस्तों, उससे प्लांट डैमेज होने के और चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। कई वजह से दोस्तों इसी गलती हमारे से भी हो जाती है। और दोस्तों ये फंजीसाइड पाउडर है उसका हमने स्प्रे तैयार कर लिया है और पूरे प्लांट पर हम अच्छी तरह से इस पर स्प्रे भी कर देंगे ताकि बाहर की साइड कोई डिसीज वगैरह लगा हो। दोस्तों ऐसे हालात कोई एक वजह से नहीं होते हैं, काफ़ी सारी वजह होती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे हम कोई भी खाद का प्रयोग करेंगे, तो खाद दोस्तों घरेलू ही मैंने ली है, पुरानी सड़ी हुई गोबर खाद है या तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। दोस्तों एप्सन सॉल्ट भी अच्छा विकल्प है हमारे लिए, उसका भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई घरेलू ही हम खाद का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो बेहतर होगा। और काफ़ी सारे दोस्तों के पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती है। उसके अलावा दोस्तों ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो धूप में हमें इसे प्लांट को नहीं रखना है, तेज धूप में दिन की एक दो घंटे की धूप मिले नॉर्मल ही ऐसी जगह पर ही रखना है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।